नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इन्वेंट्री इन्फो के जितने भी आइटम्स बनाए हुए हैं वो सारे एक दूसरी कंपनी के अंदर मैं आपको ट्रांसफ़र करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एजुकेशन हब के नाम से चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि नई नई वीडियो हम बना सकें, और आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का जो है वो फल है, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, हम डिस्प्ले में जाते हैं, और डिस्प्ले में जाने के बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टेटिक्स, उसके बाद में हम स्टॉक आइटम पे जाते हैं। स्टॉक आइटम हमारा 24 है, वो सारे इसमें बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है एक कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी के अंदर जाना है, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो अल्ट के साथ में ई प्रेस कर देंगे या हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने करना है नो, ठीक है। यहाँ पे XML डेटा के अंदर और ये सारे जो पहले पुराना पाथ है वो हटा दीजिए, डिलीट बटन दबा दीजिए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो मेन फाइल है जहाँ पे वो फाइल सेव होती है वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो फाइल देखने के लिए अपने सी ड्राइव, सी ड्राइव के बाद में हम और फाइल्स, टैली आरपी, यहां से हम इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करते हैं, यानी डेटा यहां से ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहां पे अल्ट और कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करते हैं, ठीक है, और एंटर करेंगे। और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं हम राज वन के नाम से, ठीक है, डॉट या एबीसी दे देते हैं, एबीसी डॉट XML, ठीक है। ये हम डेटा को ट्रांसफर कर दिया है, एक फाइल बन गई है एबीसी के नाम से, ठीक है। और ये जो फाइल है आपकी एबीसी के नाम से बनी है, देखो यहाँ पे अपनी वो फाइल ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी आपको एबीसी, ओके। अब दोबारा से हम एक नई कंपनी बनाते हैं, नई कंपनी बनाने के बाद में टैली में जाएंगे, और टैली में जाने के बाद में अल्ट के साथ में F3 दबाते हैं और क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी के बाद में हमने एक बनाई एबीसी के नाम से एक कंपनी बना लेते हैं, एबीसी एंड कंपनी, ठीक है। ये एबीसी के नाम से कंपनी बन गई है। और अब इस कंपनी के अंदर हम अगर जाके देखते हैं कि इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक आइटम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एबीसी कंपनी हाईलाइट जो कंपनी रहेगी वो इनकी डिटेल दिखाएगा। अगर हमें करनी एंड कंपनी पे क्लिक करना है तो ये अब हाईलाइट होगी, और यहाँ इसका स्टॉक आइटम देखेंगे तो इसके स्टॉक आइटम में जो है वो आपको बनाया हुआ पूरी डिटेल्स पड़ी है, यहाँ पे हम नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एबीसी क्लिक कर देते हैं, अब एबीसी कंपनी आ गई है। तो इसको हम डेटा कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, तो इंपोर्ट डेटा में जाएंगे हम, इंपोर्ट डेटा के जाने के बाद में मास्टर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे उस फाइल का क्या नाम भी दिया था, एबीसी नाम दिया था डॉट XML, ठीक है ना। इस पर हम क्लिक कर देंगे, न्यू डेटा पे क्लिक करेंगे, ये डेटा ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। देखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी कौन सी कंपनी काम कर रही है, एबीसी कर रही है। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे और अल्टर पे जाएंगे, ये देखो एबीसी कंपनी है, इसमें डेटा सारे ट्रांसफर हो जाते हैं, ऊपर नाम जिस कंपनी का आएगा उसकी डिटेल दिखाएगी। अगर हमें डिस्प्ले में जाके देखना है तो डिस्प्ले में जाके स्टेटिक्स, और स्टेटिक्स के बाद में हम यहाँ पे स्टॉक आइटम 24 आ गए, और कौन सी कंपनी में है, एबीसी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एबीसी के अंदर अपने डेटा ट्रांसफर हो गए हैं। तो ये दोस्तों स्टॉक आइटम ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। अभी जो कंपनी यहाँ पे हाईलाइट होती है उसकी डिटेल्स दिखाता है, तो इन्वेंटरी इन्फो में जाके स्टॉक आइटम और डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले हम क्लिक करेंगे तो एबीसी कंपनी की पूरी डिटेल हम यहाँ पे शो कर देते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।